हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग स्कूल एवं समाज के ऊपर प्रैक्टिकल फाइल में किस किस टॉपिक पर आप बना सकते हैं वो डिस्कस करूंगी। बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर ये आपकी फ़ाइल तैयार करनी है। आप लोग जब ये फाइल तैयार करेंगे तो आप लोग उससे पहले एबर कॉलेज में जाकर टॉपिक कंफर्म कर लेना, क्योंकि गाइज मैं ये जो मैंने आपके लिए टॉपिक लाया है ये मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रही हूँ। दूसरा, क्योंकि कभी कभी सिलेबस चेंजेस हो जाते हैं या फिर कुछ टॉपिक बदल दिए जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पर अभी है भी नहीं कि मैं आपको ये बोल सकूँ कि यही है। बट हाँ, मैं इतना श्योर कर सकती हूँ कि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग डाला है, तो आप लोग ये वीडियो पर बेझिझक ट्रस्ट कर सकते हैं और इस टॉपिक पर अपने फाइल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। टास्क एंड असाइनमेंट है, ठीक, आपका प्रोजेक्ट में है, जो कि आपका टास्क एंड असाइनमेंट का टॉपिक किसके ऊपर है, जेंडर स्कूल और सोसाइटी के ऊपर। आपको इनमें से किसी एक के ऊपर आपकी फाइल तैयार करनी है, जो कि मैक्सिमम 8 से 10 या फिर 10 से 12 से पेजेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, या तो आप 8 से 10 पेजेस बनाएंगे तो भी चलेगा, 10 से 12 पेजेस बनाएंगे तो भी, बट उससे ज़्यादा या से कम आप नहीं बनाएंगे। पहला टॉपिक है प्रिपेयर एन एनालिटिक रिपोर्ट और पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, दूसरा आपको बनाना है एनालाइज ऑफ टेक्सुअल मटेरियल, परस्पेक्टिव ऑफ जेंडर बायस के ऊपर और स्टीरियोटाइप के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तीसरी फाइल आपको फील्ड विजिट टू स्कूल टू ऑब्जर्व स्कूलिंग प्रोसेस ऑफ द जेंडर पर्सपेक्टिव। ये टॉपिक पर आपको ये बनाना होगा कि आप लोगों ने स्कूल की तरफ, आप लोग किसी फील्ड विजिट की तरफ से गए, आप लोग स्कूल गए, आपको ये आपको ऑब्जर्व करना है कि स्कूल में जेंडर पर्सपेक्टिव क्या हो रहा है, कितने हो रहे हैं, मतलब क्या क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल रेडी करनी है। आप लोग गूगल पर नॉर्मल सर्च मार लेंगे तो आपको आराम से इसके टॉपिक मिल जाएंगे। गाइज, आप लोग जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी बना रहे हैं, मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि बीच के टॉपिक आप कितने भी तैयार करिए, आपको जो लास्ट पेज होगा आप उसको कंक्लूजन ही करिएगा। ठीक है, कंक्लूजन करने का बेनिफिट ये है कि आपने जो पूरा प्रोजेक्ट बनाया है 8-10 पेजेस का, उसका आखिरी पेज में आप उसका शॉर्ट बता सकते हैं, क्योंकि जब हमारा वाइवा होगा इस पेज से रिलेटेड तो जो आप लोग पूछेंगे तो लास्ट में कंक्लूजन पूछेंगे, तो आप लोग जब अपनी तैयारी कर लेंगे तो आप इजी वे में बता सकते हैं, जिससे सबको मतलब वाइवा लेने वाले टीचर्स को भी पता चल जाएगा कि हाँ इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से है। तो आप लोग ऐसा टॉपिक चुनिएगा जिससे आपको लग रहा हो कि आप लोग उस टॉपिक पे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप ये प्रोजेक्ट बना के ये मत सोचिएगा कि ये प्रोजेक्ट बस इसीलिए बनाया जा रहा है कि बस सबमिट करके नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल फाइल बनाने के बाद आपके इनके इससे रिलेटेड वाइवा होते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग प्रैक्टिकल फाइल बनाते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने बाकी सब्जेक्ट की वीडियो का भी प्रैक्टिकल फाइल के टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं, मैंने अपने चैनल पर वीडियो लिंक डाल रखी है, तो आप लोग जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के ही लाइक और शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। क्योंकि अगर आप लोग नहीं हमें सपोर्ट नहीं किया तो फिर ये वीडियो ये सब डालने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, तो आप लोग मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जैसे कि नई नोटिफिकेशन आप तक तुरंत के तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।